ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಆಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮಾನುಜರಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮೂರು ಬಾರಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಬಾಬಾ ರಾಮಾನುಜಸ್ಯ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಎಂಬರುಮಾನಾರ್ ದರ್ಶನಮೆನ್ನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಓನ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜಯ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟನ್ ಎ ಡೀಟೈಲ್ಡ್ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ यहाँ पे आप जो देख रहे हैं आज एलजी ऑनरेबल एलजी साहब ने यहाँ एक डिजिटल लाइब्रेरी और एक मेडिकल सेंटर का इनॉग्रेशन किया। इसका जो इनिशिएटिव है पिछले साल जुलाई में जगतगुरु रामानुजाचार्य महा संस्था की ओर से लिया गया और इसके जो हमारे स्वामी जी हैं श्री युद्धगुरी यथाराजा मठ जो यहाँ आज इन जिन्होंने डिजिटल जो लाइब्रेरी का इनॉग्रेशन किया ये अपने में ही एक ऐतिहासिक इन्होंने कदम उठाया क्योंकि हमारे कश्मीर में बहुत जो शारदा लिपि थी वो कहीं ना कहीं लुप्त हो जा रही है। हमारे जो कश्मीरी लोग हैं चाहे किसी भी कम्युनिटी से उनको हम अपना कल्चर अपनी हेरिटेज अपनी नॉलेज के बारे में नहीं पता। उन्होंने आज ये जो डिजिटल लाइब्रेरी यहाँ इनॉग्रेट की इसको रिवाइव किया जो शारदा लिपि यहाँ से लुप्त हो रही जा रही थी और इनका एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव जो इन्होंने उजाला हॉस्पिटल की ओर से यहाँ पर एक फ्री मेडिकल सेंटर खोला है जो हर टाइम हर होम के लिए खुला रहेगा और यहाँ पर जो भी आएंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मेडिकली हेल्प होगा और आने वाले साल में इनके और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं महिलाओं के लिए बच्चों के लिए जो ये करते रहेंगे। के जो लास्ट ईयर ये जब आए थे इन्होंने अपने गुरु रामानुजाचार्य जी की मूर्ति जो है यहाँ शौर्यार मंदिर के उस आंगन में जो स्थापित की थी उस दिन उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था कि हम यहाँ वापस आएंगे और यहाँ के आवाम की खिदमत करेंगे क्योंकि गुरु जी का कश्मीर से बहुत कनेक्शन था। वो अक्सर यहाँ पे तपस्या करने आते थे बहुत प्राचीन काल में उसी प्राचीन काल की परंपरा को ये आगे कंटिन्यू कर कश्मीर के इतिहास में ये एक महत्वपूर्ण दिन कश्मीर में श्रीनगर में शांति सौहार्द वातावरण निर्माण होना निर्माण हो रहा है इसीलिए हमारा अपेक्षा था हमारा सनातन धर्म का पुनरुद्धार प्रचार यहाँ से होना तो यहाँ हमारा आचार्य जगदाचार्य स्वामी रामानुजाचार्य ने दो बार यहाँ आकर वो राष्ट्र धर्म का राष्ट्र ऐक्यता का मंत्र उद्घोष किया यहाँ से। स्वामी जी आपसे जानना चाहेंगे जो आज यहाँ पर महत्व गया है इसकी अहमियत क्या है खासियत क्या है क्या चीजें वो हमारा आलोचना है डिजिटल लाइब्रेरी वो प्रारंभ हुआ है डिजिटल लाइब्रेरी से एंटायर वर्ल्ड कैन वॉच अवर धर्म ग्रंथास रामानुजस ग्रंथास एंड वी आर स्टार्टिंग ए हेल्थ सेंटर रामानुजा हेल्थ सेंटर फ्रॉम हियर फ्री हेल्थ सेंटर फ्री मेडिसिन वी आर गिविंग टुमारो वी आर हैविंग मेडिकल कैंप हियर फ्री मेडिकल कैंप डिजिटल लाइब्रेरी हेल्थ कैंप पहले कोई इस तरह का तो हो गया इसीलिए वो यहां कर। ये बताइए जो यहाँ के लोगों को इससे फायदा होगा कितना फायदा होगा और हिंदू धर्म अवश्य अवश्य फायदा होता है क्योंकि वो कश्मीर में शांति वातावरण होना ये देखो और सभी कर्नाटक से आया है और सभी आए से उसको टूरिस्ट क्या है टूरिस्ट होटल बिजनेस इम्प्रूव होता है
सो इसका फायदा वो फायदा होता है होटल में बताता है। सनातन धर्म को लेकर भी लोगों को यहाँ पे फायदा होगा, जो लोग सनातन अवश्य होता है। सनातन धर्म मीन्स इरेस्पेक्टिव ऑफ कैस्ट क्रीड इट विल अप्लाई। सो सभी जन मनुकुल का, हमारा स्वामी रामानुजाचार्य ने मनुकुल का एड्रेस किया, मनुकुल का संबोधन किया। सो इसीलिए वो रामानुजाचार्य ने मनुकुल नो कैस्ट नो क्रीड। अवश्य अवश्य आदि शंकराचार्य ऑल्सो संता सनातन धर्म का आचार्य है, वो प्रथमाचार्य है। शंकराचार्य के बाद स्वामी रामानुजाचार्य आया, स्वामी रामानुजाचार्य के बाद आचार्य है, सभी आचार्य। वो हमारा मुख्य उद्देश्य कश्मीर में शांति वातावरण सौहार्द वातावरण होना, इसीलिए स्पिरिचुअल एक्टिविटीज।